जहां मोहन नगर से ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल तक सीमेंट रोड के विकास कार्य का काम 5-6 महीने में पूरा होने से यहां के रहवासी के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक न पाई, जिसका कारण है बरसात। जी हाँ, जैसे ही बरसात की शुरुआत हुई वैसे ही कुछ ही दिनों में इस सीमेंट रोड ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी थी। अब तक के सीमेंट रोड की स्थिति देखी जाए तो बरसात के पानी से सीमेंट रोड के ऊपर का सीमेंट पूरी तरह से घुल चुका है और हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, जिससे मोहन नगर के रहवासी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अनवर अली की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनवर अली और आप देख रहे हैं एजे स्टार। आज हम हैं मोहन नगर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल रोड पे, और इस रोड के जो खासियत है कि आप देखोगे कि 5-6 महीने का रोड है सीमेंट रोड, लेकिन उस रोड की क्या हालत है मैं आपको उसकी हालत बताता हूँ। कैसे ठेकेदार है, कैसे महानगर पालिका किस ठेकेदारों को काम देती है, और वो इसमें क्या घोरखधंधा और क्या खराबी और क्या मिलावट करते हैं। ये सीमेंट रोड की हालत देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना खराब है। ये मेरे ख्याल से एक और बरसात भी नहीं निकलता है, जबकि इनकी जो वैलिडिटी है, जो बनाने की क्षमता है इसका, एक साल नहीं, पूरे 25-25 साल रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रोड की क्या हालत है, ऐसी पूरे ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल तक की इस रोड की हालत खराब है। आइए बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से, यहाँ के वार्ड के जो रहवासी है उनको कितना तकलीफ हो रहा है, और इस रोड के बनने के बाद क्या महसूस कर, बताइए कि क्या है, कितने महीने हुए हैं इस रोड को और क्या हालत है इस रोड की। ये रोड को 4-5 महीने हो गए बन के और पूरा गड्ढा हो रहा है, और सीमेंट ऐसा यूज़ किया है, सागर सीमेंट है, जो हमने हिंदुस्तान में कभी नाम ही नहीं सुने। सागर सीमेंट कहाँ पे है, कौन सी दुकान में मिलता है? मेरे ख्याल से अगर 200 दुकान भी अगर हार्डवेयर की देखेंगे तो सागर सीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन सागर सीमेंट से पूरा रोड बना हुआ है और 6 महीने के अंदर पूरा खराब हो गया है। और आगे सरकार और कॉरपोरेशन वाले, मैं तो बोलता हूँ ठेकेदार को तो एक पैसा नहीं देना चाहिए, जो तुरंत मेहता छुटता है, ये कम से कम 10 साल कितना किया ऐसे रोड। तो आप क्या चाहते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महानगर पालिका ऐसे ठेकेदारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, उनका लाइसेंस जब्त करना चाहिए। ऐसा तक तो ये सिविल कौन था उनका, इंडिया में तो कभी नाम भी नहीं था सागर सिमेंट। आप देख रहे थे कि जो मोहन नगर के रहवासी उन लोगों की क्या शिकायत है इस रोड के पास। मैं कैमरा पर्सन साकिब भाई के साथ, मैं अनवर अली, एजे स्टार न्यूज़, नागपुर।